गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने साइंस में पहला लेसन यानी लेसन फर्स्ट प्लांट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड पढ़ना स्टार्ट किया था। कल एक पेज हमने इसका रीड किया था। इसमें हमने ये पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो जब प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में सनलाइट के साथ, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया। एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पौधे का रसोई घर या फिर खाने का स्टोर हाउस कहलाती हैं। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए लीफ, एक पत्ते के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। डिफरेंट प्लांट हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अलग अलग जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं। लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। बहुत सारी जो पत्तियां होती हैं वो फ्लैट होती हैं यानी चपटी होती हैं, और ब्रॉड होती हैं यानी जो है बड़ी होती हैं। लेट्स लर्न अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। चलिए आज हम इसके इंटरनल यानी कि आंतरिक जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। All leaves are thin। सभी पत्ते जो हैं वो पतले होते हैं। They have skin clear like glass। उनकी जो स्किन होती है यानी जो त्वचा होती है वो बिल्कुल साफ होती हैं, क्लियर होती हैं, एक ग्लास की तरह, एक कांच की तरह। We cannot see the inner part of a leaf with our eyes। हम पौधे के जो आंतरिक भाग हैं उनको अपनी आँखों से नहीं देख सकते। वी कैन सी दैम विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। हम उन्हें एक माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी, जो छोटी छोटी जो बहुत छोटी माइनर चीज़ें होती हैं उनको बड़ा करके दिखाता है। When we see a leaf through the microscope, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर से किसी पत्ते को देखते हैं, we observe that the leaf is made up of many tiny bags called cells। हम देखते हैं कि पत्ते जो हैं वो बहुत छोटे छोटे चीज़ों से बने होते हैं, उसके अंदर बैग से बने होते हैं यानी छोटे छोटे पार्ट बने होते हैं, उनको सेल कहते हैं। सेल को कोशिका को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। एक सेल होता है जो हमारा ना छोटे छोटे चैम्बर नहीं बने होते, कमरे बने होते हैं, उसको भी सेल कहा जाता है। देयर आर मैनी लेयर ऑफ सेल्स। यहाँ जो इन सेल्स की बहुत सारी लेयर होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पिक में दिख भी रहा होगा। दीज सेल्स कंटेंस वाटर एंड ए जेली लाइक सब्सटेंस। इनके अंदर पानी और एक जेली की तरह से एक पदार्थ भरा होता है। इनसाइड दीज सेल्स आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ क्लोरोफिल। इसी के अंदर जो है छोटे छोटे पैकेट किसके बने हुए होते हैं, क्लोरोफिल के। द क्लोरोफिल एब्जॉर्व सनलाइट विच रीचेज इट थ्रो द लेयर ऑफ द लीफ। ये क्लोरोफिल उस सारे सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर सोख लेती है जो कि इस पत्ते की इस परत में से गुजरता है या इस पत्ते पर गिरता है। देयर आर एयर स्पेस इन बिटवीन द सेल विच फॉर्म टीनी पोर्स ऑन द लीव्स। इस प्रकार जो ये सेल बनी होती है इनके बीच में छोटे छोटे छेद भी बने होते हैं। दीज टीनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इनको स्टोमेटा कहते हैं। एंड आर यूजुअली फाउंड इन द लोअर लेयर ऑफ ए लीफ। और ये जो है पत्ते की निचली सतह पर पाए जाते हैं। द प्लांट ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रो दीज स्टोमेटा। पत्तियाँ जो हैं या पौधा जो है वो इन्हीं के द्वारा सांस लेता है। नाउ इफ़ यू लुक एट ए लीफ अगेंस्ट द लाइट यू विल सी ए नेटवर्क ऑफ वेन्स। जब हम पत्ते को सनलाइट के अगेंस्ट यानी प्रकाश के विपरीत देखते हैं यानी उसके निचले हिस्से को देखते हैं तो यू विल सी ए नेटवर्क ऑफ वेन्स। वेन्स होती हैं छोटी छोटी जो नलिकाएं होती हैं उनका आपको पूरा जाल दिखेगा। ईच लीफ हैज़ ए मेन वेन इन द मिडल। सभी पत्तियों के बीच में एक मेन जो है यानी एक मुख्य वेन होती है, मुख्य एक सिरा होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिड रिब। इसे जो है मिड रिब भी कहते हैं। देयर आर मैनी साइड वेन कमिंग फ्रॉम द मेन वेन। इसी तरह से आसपास से बहुत सारी वेन आपको इसके अंदर एंटर होती दिखती हैं, जो मेन जो आपकी वेन है यानी मुख्य जो आपकी सिरा है उसके साथ जुड़ी होती है। दीज वेन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल टू द लीफ। ये जो शिराएँ बनी होती हैं यानी इस तरह के जो तंतु